नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे अगर आप अमेरिका जाते हैं और ट्रक ड्राइवर के जॉब में तो 8 लाख रुपए महीना तक कमा सकते हैं। अब ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये भाई साहब बोल रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ में बैठे हुए तजिंदर। जी हाँ, ये इंडियन बंदे हैं, आपने न्यूज देखा होगा। अगर आप अमेरिका में ट्रक ड्राइवरी करते हैं तो 5 से 6 लाख रुपए तो आराम से ड्राइवरी में कमा सकते हैं। अगर आपका खुद का ड्राइवर आपको मिल जाए, आपका खुद का ट्रक आपको मिल जाए तो 6 से 7-8 लाख रुपए तक महीना आप आराम से कमा सकते हैं। देख सकते हैं इसमें राहुल गांधी, आपको पता है साथियों अमेरिका में गए थे थोड़े टाइम पहले, तो ड्राइवर ने महीने की कमाई 8 लाख रुपए बताई तो राहुल गांधी हैरान हो गए। ये देख सकते हैं, ये तजिंदर बैठे हैं, ये ड्राइवर है अमेरिका में, ये राहुल गांधी साहब बैठे हैं। जी हाँ, और ये इनके साथ में खाना भी खा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। इसमें देख सकते हैं राहुल ने ड्राइवर, भारत के ड्राइवरों को मैसेज देने के लिए कहा तो उन्होंने बोला कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंडिया में बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए आपको शुभकामना। और भारत में ट्रक चलाना दूसरी बात है, ट्रक का ड्राइवर नहीं होता, ट्रक दूसरे का होता है, ये बहुत बात बोली है इंडिया में उन्होंने। बिल्कुल ये सत्य बात भी है। और उन्होंने एक अच्छी बात भी और बोली इन्होंने कि भाई इंडिया में आप सिर्फ ड्राइवरी करते हो, ट्रक नहीं होते, एक मालिक के 100 ट्रक हो सकते हैं लेकिन एक ड्राइवर का एक ट्रक नहीं हो सकता। इसका रीजन पता है क्या है? ड्राइवरी इन्होंने बताया कि जो ड्राइवर हैं वो गरीब बंदे होते हैं, इनके पास पैसा नहीं होता। और इंडिया में अगर आप कोई गाड़ी कार लेते हैं तो आपको प्रॉपर्टी देनी पड़ती है। आप ट्रक लेंगे 50 लाख का तो प्रॉपर्टी मांगते हैं, प्रॉपर्टी गरीब आदमी के पास होती नहीं है, इसलिए वो गाड़ी का मालिक बन नहीं सकता, इसलिए जिंदगी भर उसको ड्राइवरी करनी पड़ती है। और यहां पे अमेरिका में ऐसा नहीं होता, अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो बैंक लोन दे देती है बिना प्रॉपर्टी के, और यहां खुद की गाड़ी चला सकते हैं। यहां गाड़ी चलाना अमेरिका में सम्मान की बात है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं होता है। ये भाई साहब 8 लाख रुपए अमेरिका में कमा रहे हैं साल के, आप कैलकुलेशन कर लेना, और 5 साल के कैलकुलेशन कर लेना कितना पैसा ये कमा रहे हैं। इनकी इनकम देख के राहुल गांधी को अफसोस हुआ कि यार 8 लाख रुपए भाई कम नहीं होता, एक बिजनेसमैन नहीं कमाता 8 लाख जो इंडिया में करोड़ों को इन्वेस्ट करके बैठा। इससे पहले राहुल गांधी, आपको पता है, इंडिया में भी भाई चंडीगढ़ की तरफ गए थे पंजाब में, तब इंडिया में भी ड्राइवरी के ड्राइवर से बात की थी तब मैं। अब मैं राहुल गांधी को क्या फर्क नजर आया और इसकी मैं सहमत भी हूं इस बात के लिए, इन्होंने एक बात बोली है कि राहुल गांधी बोले कि अमेरिका में ट्रक ज्यादा आसान है, आरामदायक है। इंडिया में जो ट्रक है ना उनको ड्राइवरों की कंफर्ट से कोई मतलब नहीं है, यानी ड्राइवर को कितना कंफर्ट चाहिए उस गाड़ी में, सोने के लिए, खाने के लिए, है ना, सब कुछ चीजों के लिए, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कंपनी को कोई मतलब नहीं होता, वो एक ढांचा खड़ी कर देती है। वो मालिक की तरफ सोचते हैं कि मालिक इससे कितना कमा सकता है, ड्राइवर जाए भाड़ में उसको तनख्वाह मिलती है, वो मरे जिए, ये सत्य बात भी है। अब मैं इस बात को एग्री करता हूं, इंडिया में आज से पहले तक जो, यानी आज से 4-5 साल पहले तक जितने भी ट्रक आते थे भाई एकदम कबाड़ा टाइप के होते थे, एकदम ठीठ, जिसको बोलते हैं ना, एक बॉडी तैयार कर दी, स्टीयरिंग दे दिया, ड्राइवर ऐसे रात घुमाता रहता था उसको, उसका नहीं अंदर सोने का नहीं। अभी तो जो ट्रक आ रहे हैं वो लग्जरी आ रहे हैं, इस बात को मैं मानता हूं, अभी ठीक है। अभी की स्थिति ड्राइवरी के जो ट्रक आ रहे हैं ना उसमें लोगों को कंफर्ट मिल रहे नए ट्रकों में, लेकिन पहले वाले में ऐसा नहीं होता था। तो अगर आप चाहते हैं तो भाई देख सकते हैं, अगर इन्होंने बोला कि अगर ड्राइवरी के हिसाब से 5 से 6 लाख रुपए बन जाते हैं, वही ट्रक अगर खुद का हो तो 8 लाख रुपए तक की कमाई अमेरिका में हो सकती है, इसलिए लोग अमेरिका जाते हैं। 40 लाख 35 लाख, अभी कल मैं कोर्ट में बैठा था तो ऐसी बातें चल पड़ी थी। साथी वकील ने बोला कि मेरा कोई जानकार गया अमेरिका में, 2 नंबर में डोंकी से 28 लाख रुपए देखे, 5 बंदे थे, पहुंच भी गए, उन्होंने मेरे से कोर्ट से एक एफिडेविट बनवाया था 8 पन्नों का, जिसमें राजनीतिक शरण वहां से वो मांगेंगे, इंडिया में वो टॉर्चर कर रहे हैं, वो मैंने पढ़ा, 8 पन्नों का था, उसमें इंडिया की बुराई थी, इंडिया के लोगों की बुराई थी, उसी के आधार पर ये देश शरण देते हैं। आप सबको पता है ये लोग अमेरिका किसी भी देश जाते हैं ना शरणार्थी बनते हैं, तो उनको ऐसे मिल जाती है, आपको बुराई करनी पड़ती है भारत की, ये बोलना पड़ता है कि हमें वहां जान का खतरा है, हम इंडिया में रहेंगे तो हमें मार देंगे, हम ये नहीं बोल सकते हमारी आजादी नहीं है, ये नहीं है, तब जाके वहां पर शरण मिलती है। तो इंडिया को बदनाम करके ये लोग अमेरिका में 2 नंबर में जो जाते हैं वो इसी तरीके से जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं सोचता हूं कि ये तरीका बिल्कुल गलत है। तो जाओ तो 1 नंबर में जाओ भाई, आप किस तरीके से क्या जाते हो वो तो आपको अपने एजेंटों से, मैन पावर ऑफिस है वहां से कांटेक्ट करना पड़ेगा। बस ये अपडेट देना था, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिएगा, सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जानकारी के साथ। जय हिंद।